प्रभजोत पाजी आ चुके हैं गाइस, प्रभजोत पाजी आ चुके हैं। सो गाइस सुबह तक हम यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाने वाले और पूरा मीटअप भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आए हैं और सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे पहले आए हैं और सबसे लास्ट में जाएंगे, कोशिश पूरी यही रहेगी। दोस्तों हमारे दो दोस्त मिले हैं। भाई क्या नाम? बढ़िया भाई। देख गाइस ये जो दोनों बाइकें खड़ी है ना, इनसे सुबह स्टंट होंगे दोनों से, आपको वीडियो में पता चलेगा। बिल्कुल गांव के एरिया में से जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग? सो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। सो दोस्तों हम जा रहे हैं जट प्रभजोत पाजी से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने मीटअप रखा है, एक अपनी बाइक रिवील कर रहे हैं और अपनी कार रिवील कर रहे हैं शायद, बाकी वो तो पता चलेगा कल सुबह ही। तो सुबह 7 बजे का मीटअप है, मीटअप को दूसरी भाषा में कहते हैं उनकी तरफ से गेट टुगेदर करना। तो हम गेट टुगेदर करने के लिए जा रहे हैं और हम निकलेंगे अभी आज शाम को ही, यानी कि 6 तारीख को, और 7 तारीख को है उनका मीटअप। क्योंकि सुबह हमारे यहाँ से कोई रूट नहीं है, या ना कोई बस है ना कोई मेट्रो है हमारे यहाँ से जाने के लिए, इसलिए हम शाम को 5-6 बजे करीब ही निकलेंगे और पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे उनसे पहुँचेंगे और जैसे जैसे उनसे मिलेंगे आपको पूरा दिखाते रहेंगे। आप पूरी वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। दोस्तों जब से प्रभजोत पाजी ने मीटअप का बताया है तब से ही मेरे अंदर मतलब मिलने की चाह हो रही थी उनसे, और मुझे उनसे मिलना भी है बहुत टाइम से, मतलब सपना था कभी उनसे मिलने का, और आज फाइनली वो सपना पूरा हो भी जाएगा मतलब कल। तो बहुत खुशी भी हो रही है अंदर से, और जब से उन्होंने इस गेट टुगेदर करने की बात कही है, मतलब मीटअप करने की बात कही है, तो अंदर से मतलब मन हो रहा था कि उनसे मिलना है। तो सुबह 7 बजे का था लेकिन कोई रूट नहीं बैठ रहा था हमारे यहाँ, तो हम इसलिए हमें शाम को निकलना पड़ रहा है। तो हम रात उस कैफे में रुकेंगे जहाँ पे मीटअप है, राइडर्स पैराडाइज कैफे। हमने उनके ओनर से बात कर ली है, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी के बायो में अपना मोबाइल नंबर छोड़ रखा था, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप बैठ सकते हो रात भर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए हम रात भर वहीं रुकेंगे और सुबह उनसे मीटअप करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे और सुबह उनसे मिल करके आ जाएंगे। आउटफिट चेंज हो चुके हैं अपने, और साथी भाई और डीडो भाई जा रहे हैं साथ में, दो बैग टांग लिए पीछे, इसलिए अपना खाना वाना है, थोड़ी पानी बोतल है और ट्राइपॉड वगैरह है दोनों बैगों में, और ये इसका बैग मतलब इसका सामान थोड़ा बहुत में है ना, और मेट्रो जा रहे हैं जल्दी, इसलिए निकल रहे हैं इस टाइम के, और अभी 6 बज रहे हैं शाम के, जल्दी 6 बजे निकलते हैं और बस में लेट ना हो जाए, इसलिए बस के लिए जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। बस वहाँ की टाइम से टाइम गाइस ये देखो शो को नीचे का मेट्रो में क्या मिल रहा है, ऐसे पकड़ो। ओह सॉरी भाई, ये स्कैनर लग रहा है ना? अच्छा स्कैनर लग रहा है, ये नया सीन चला है मतलब। अरे मैं आज तो बहन को लेने गया तो नहीं मिला। अच्छा देख भाई, हम कार्ड वाले आदमी नकली चीज नहीं लेंगे, तो भी कार्ड भाई साहब इनके पास कार्ड है, मेरे पास कार्ड नहीं है, 200-200 रुपए का रिचार्ज करवा। भाई दो कार्ड तो ले लेने आया, वो बात हां भाई मैं भूल गया यार, गलती से जल्दी जल्दी के चक्कर में। भाई क्या क्या लेके आयो बैग में, इतना भारी हो रहा जो है। देख दिखा दिया, ये देखो गाइस, ओ भाई साहब लंच देखो कितना बड़ा, ग्लास भी और क्या, अलग खाना ये भी, बोतल भी, और मैं भी भाई मैं भी सेम लेके आया हूँ भाई। रात भर रुकेंगे वहाँ पे, थोड़ा बहुत तक खाने पीने के लिए चाहिए ना, और सोएंगे नहीं सोएंगे वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तीनों सीट अपने लिए। सो गाइस अभी हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ से जा रहे हैं बस के लिए। सो गाइस मैं भी आया हूँ। हाँ मुझे पता है भाई तू भी आया, तो बस के लिए जा रहे हैं, बस कितनी दूर है यहाँ से? बस यहाँ से तो 10 मिनट बाद बस है, जल्दी पहुँचते हैं बस पे। 10 मिनट वेरी एक्साइटेड है मिलने के लिए, पर लेकिन एक रात का सफर है अभी। गाइस ये कह रहा एक्साइटेड बहुत है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, सभी हैं ये भी होगा। आई से मतलब जट प्रभजोत पाजी से मिलने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, अलग ही लेवल की खुशी होगी। गाइस ये देखो लोकल बस में बैठे हैं, ये दोनों यहाँ खड़े हैं, सो गाइस अभी हम मंडी गांव में, मंडी विलेज से 2 किलोमीटर पैदल चलना है, पहुंचने वाले हैं, फिर दिखाते हैं आपको पहुंच के क्या क्या होता है, बने रहना पूरे ब्लॉग में। मिलेंगे राइडर्स पैराडाइज कैसे और बस में इतनी भीड़ थी, ये कोई साहब नहीं भाई, ये रही 15519 नंबर इसमें आना था हमको, इंतजार करते करते उसमें बैठे, इसका इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, लेकिन ये आई नहीं, फिर हम लोकल बस में आए, लोकल बस में पूरी यूनियन की हो रही है, पसीने। गाइस बिल्कुल गांव के एरिया में से जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, है ना भाई गूगल के नाम पे जा रहे हैं, पता नहीं गूगल ले जा रहा हूँ भाई, जहाँ भी ले जा रहा हूँ ठीक है, और बिल्कुल गांव में चल रहे हैं, और हमारे गूगल के नशे देखो आने से, गूगल के नशे देखो, हम जा इधर रहे हैं, एरो इधर दिखा रहा हूँ, अरे हम भूत है ना, हम टेढ़े पैर से चल रहे हैं।
कोई बात नहीं भाई, चल रहे हैं। चीज कह रहे हैं गूगल बाबा की जय। गाइस गूगल पता नहीं कहां लिया हमें, बिल्डिंग आ गई सामने। ये हम हैं, ये हमारा जंगल है। जंगल है और सामने बिल्डिंग, और सामने बिल्डिंग है। गूगल के भरोसे चलते जा रहे हैं। एंटीलिया लग रहा है जिंदा। ओ भाई मुकेश अंबानी का घर, छोटा मुकेश अंबानी का। ओ मुक्कू भाई कहां से? मुक्कू भाई कह रहा है, मुकेश भाई, मुकेश अंबानी मुक्कू भाई कह रहा। गाइस रात के अंधेरे में चलते चलते ना थोड़े से डर गए भाई साहब, तो बजरंगबली को माथा टेकने आए। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरे को क्या दिक्कत थी? हाँ ये कि भाई देख देख पहली बार आई डर सबको थोड़ा लगा। हाँ भाई मुझे भी लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। भाई मैप देख रहा, तू वीडियो नहीं बना रहा, साफ पता लग रहा है। यही यस यस यस, बहुत अच्छा लुंडा है, अब तो आ ही जाएगा। तो यही सर, यही पोज, यही सर, यही क्या चीज़ है भाई? यही चीज़ है, बेल्ट को डालिए भाई, बेल्ट को डालिए। गलती गाइस, दीपू ने रात का अंधेरे देखते हुए बेल्ट अपने गले में डाल लिया। देखो पैंट नीचे उतर रही है, लेकिन सेफ्टी चाहिए बंदे को, बेल्ट उतार गया, मतलब समझ रहे हो ना आप? डर को भगाने के लिए क्या कर रहे थे? ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन मुंडे भाई ब्राउन मुंडे नहीं गा रहे थे, जय श्री राम भगवान जी का गाना गाते हुए जा रहे थे। मेरे फोन में गाना चल रहा था, अभी जस्ट बंद किया और फिर चल जाएगा वीडियो बनाने के बाद। ये सुनने का दिक्कत गली क्या हुई है बात? गलती इसकी है, गलती देखो भाई, वाला रोड बताया, गलती इसकी है। मेन रोड जा रहा था, मेन रोड से अच्छा खासा आते हैं हम उधर से, लेकिन सामने मेन रोड, देखो सामने वो रहा मेन रोड है ना, देखो जा रहा, लेकिन इसने जो गांव का रास्ता देखा, हमेशा गूगल कहीं ना कहीं घुसाई देता है, बाढ़ देता है। नहीं गूगल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ देगा जबरदस्ती की। रास्ता न्यारा दिखाता, न्यारा सीधा रास्ता, 100 में भी 101 वाला। गाइस ये देखो मेरे फोन की क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन ये देखो चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है, दो बिल्डिंग के बीच में सारा, बहुत प्यारा लग रहा, बहुत प्यारा। पता मैं कहाँ चढ़ाऊँ इसको दिखाने के लिए? चप्पलों से ओ खड़े वहाँ। ओ भाई क्वालिटी नहीं है फोन की, मजाक सेट की नहीं, तो इतना प्यारा, इतना प्यारा व्यू, मतलब क्या ही बताओ, पहली बार देखा ऐसा व्यू। फोन में इतनी बढ़िया फील नहीं आएगी जो आप। भाई मजाक सेट कितना प्यारा। अबे भाई गए गए पैर गए भाई, सही एक नंबर लग रहा है यार। गाइस वो सामने लेदर यार्ड है, ये रहा सामने राइडर्स पैराडाइज कैफे। गाइज ये रहा रेडर्स पैराडाइज कैफे। गाइज रेडर के पैराडाइज कैफे के बाहर तो पहुंच गए हैं, और हमने संतोष भाई को देख लिया जो जट प्रभुत भाई के पाजी के साथ रहते हैं हमेशा, वो सामने खड़े हैं, पर मेरे मतलब हिम्मत नहीं हो रही अंदर से उनसे मिलने की भी। पता नहीं जैसे जिस बंदे को हम हमेशा वीडियो में देखते हैं और अचानक से वो सामने आ जाए, तो अचानक से एक फीलिंग सी हो रही है, और ये मुझे सुना रहे हैं कि भाई जागे नहीं रहा, जागे नहीं रहा। अब ये कम देखते हैं भाई, फायदा क्या होएगा भाई, इससे बात नहीं करेगा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मेरा मतलब जाने का इधर खड़े हुए हैं हम, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक खड़े रहेंगे समझा? पहुँच तो गए हम, अब संतोष भाई की मेरे ख्याल से सुबह ओपनिंग है किसी चीज़ की, तो भी शायद अपने काम में लगे हुए हैं सामने। सर मैंने आपको कितनी तरह मतलब मेंशन वगैरह करा, आपने मेंशन नहीं करा एक बार भी? थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे बात करने में, मैं मतलब बहुत दिन से आपको वीडियो देख रहा था, और तो गाइस अभी हम राइडर्स पैराडाइज कैफे के पर पहुंच चुके हैं, और हमने संतोष भाई से ही बात कर ली, और हमारे एक भाई मिले जो ब्लॉगर हैं, भाई अपने चैनल आसिफ मलिक 7222 करके सर्च करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, भाई की वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा भाई का और मेरा दोनों का। तो गाइस यहाँ खड़ी है सुपर बाइक्स, नाम नहीं पता भाई मुझे, भाई का बुलेट है ये, और ये अपने संतोष भाई शायद कौन सी है, ये अंदर जा रहे हैं। चलो fly anywhere you wanna go, find a place we can hide, we can make it all.
सो गाइस फाइनली कैफे के अंदर नीचे ग्राउंड में बैठे हैं हम और कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। भाई से हमारी बात हो गई जैसा कि मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था और हम यहाँ से आते ही मैंने भाई से बोला कि ऐसे हमारी बात हुई है, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर बैठो, नीचे बैठो, बाहर बैठो, आप ही का कैफे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, रात में बैठो, दिन में बैठो। और भाई बंदे बहुत बढ़िया क्या और कैसे एक नंबर बना हुआ है, भाई सपने के तरीके हो रहा है, मतलब जिन बंदों को हम वीडियोस में देखते हैं और अचानक से बंदा सामने आ जाए, मतलब भाई सामने आ जाए तो यार अजीब, मतलब कैसी खुशी होती है आप जानते हो यार, है ना। और भाई बाइकें भी खड़ी है बाहर, मुझे नाम नहीं पता, मैं थोड़ी थोड़ी दिखा दूंगा आपको भी। और भाई कैफे एक नंबर, मजा आ गया। और पहली बार हम कैफे आए तीनों, पहली बार आए अंदर बैठे हैं और खाना चल रहा है क्योंकि भूख लग गई बहुत ज्यादा, पहले मक्खा मक्खा भी डूब गया। हाँ तो भाई हमने खाना फिनिश कर नहीं अभी किया, मैंने सेवा का वीडियो बना रहा हूँ खाने की, तो मैंने घर आकर भी मत बना बनता। देखो जो सिंपल खाना अपना देसी रोटी सब्जी चटनी वटनी और खीरा कहाँ तेरा अंदर भाई, खीरा खा तेरा बैग के अंदर है तो निकाल लो उसे। संतोष भाई आ गए भाई बाहर, संतोष भाई घूम रहे हैं। सो गाइस अभी घूम रहे हैं ऐसे ही बाहर, टहल रहे हैं खाना वाना खा के, है ना। अबे आ जा रहे हो भाई लेके, भाई स्टिंग दे रहे हैं, स्टिंग विस्टिंग देखने जा रहे हैं, स्टिंग पीने का मन कर रहा है, ठंडा पीने का मन कर रहा है कुछ। यहाँ सोना नहीं है ना, सोना नहीं है, रात भर जागना भाई, घर जाने किसको इधर पड़ेगा। अगर रात में जटपाजी आ जाते हैं ना, जटपाजी से मिलवाएंगे आपको। तो गाइस ये जो जगह है इसका नाम है ग्वाल पहाड़ी और इसमें ग्वाल पहाड़ी है, ग्वाल पहाड़ी बेटा सही है, अकेले अकेले पी ले बेटा, अकेले अकेले खा ले। और इसमें प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी तगड़ी बनी हुई है, बहुत तगड़ी तगड़ी कैफे कैफे बने पड़े सामने। और लेदर यार्ड देखो कितना तगड़ा लेदर यार्ड बना, लेदर यार्ड ओए चांदड़ा बनी। और गाड़ियां तो एक से एक है, महंगी से महंगी है, छोटी तो गाड़ी यही नहीं कोई। ओली ऊपर बैठे हैं, ऊपर आगे कैफे में ऊपर बैठे हैं, यहाँ से अंदर आए हैं ऊपर। और ये मेन्यू देख रहा, लेना तो भाई कुछ लेना है, अबे 40 रुपए मिल रहा चाय मिल रही है कैसे लेना भैया, इलायची वाली चाय ले भाई ऊपर देखने आए थे क्या प्रॉपर्टी है, बढ़िया बने हो यार, ये कैसे होना है, मस्त बने मस्त बैठे, हवा हवा नहीं बहुत बढ़िया। सो गाइस रात के अभी करीब करीब 12 बजने वाले हैं और हम बैठे हैं बाहर, सोना नहीं है आज रात में, 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में 11:40 हाँ, तो बस बैठे हैं बस भाई, पीछे वो कैफे का काम चल रहा है पीछे, थोड़ा सा साइड ही बैठ जाए भाई, थोड़ा साइड बैठ जाए, काम चल रहा है, बाहर रोड बैठे हैं, देखो रग सब चल रहे हैं, मेन रोड एरा अगर हम थोड़ी जल्दी आते ना तो भाई से मिल लेते हैं। मजाक से कह रहे हैं अगर हम कहीं घूमने होते ना उस गाँव गाँव में सीधा रोड पे आते इस मेन रोड पे तो सीधा हम प्रज्योत पाजी से मिल लेते, क्योंकि हमारे आने से करीब करीब आधे घंटे पहले वो थे, आधे घंटे भी नहीं 10-15 मिनट वो पहले थे। चलो कोई बात नहीं, सुबह मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर रात रात में आते तो रात में मिल लेंगे। और भाई ब्लॉग पूरा देखना, थोड़ी सपोर्ट दिखाओ भाई, बट भाई हम उनके लिए प्रेयर करते हैं यार, हाँ भाई उनको उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, बस ठीक हो जल्दी से। बस किट भाई को मैंने सारी कहानी बताई है, कोई भाई रो रहा भाई देख दुख होता है यार, दुख तो होने की बात तो है यार, मतलब बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था मैंने, और मालिक की दुआ है कि बच गए भाई,
कद्दू आया, बस जल्दी ठीक हो जाए हमारे पाजी। गाइस रात के पौने एक होने वाले हैं, क्या निकालना इसकी आगे देखा अब आगे देखा। अरे भाई इसको नींद आ रही है, यहाँ बैठे बैठे लेट गया। देखो बता कैसे कर रहा है यार, को नशे में हो रहा है। देखो देखो आगे तुम खुद देख लो, क्यों देख रहे, देख रहे हो तू दिखा, तू अपना तू अपने दिखा, देख सकते हो ये क्यों है। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो आया ही उसमें हूँ, तुम्हें नींद आएगी नहीं, मैं चश्मा लगा रहा हूँ। प्रभजोत पाजी आ चुके हैं गाइस, प्रभजोत पाजी आ चुके हैं और मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ भाई। मैं तुझे बोला था ना रात में आएंगे पक्का, रात में भाई आ गए, रात में आ गए भाई, बाजी बाजी चलने चल, बात में चल, और अभी कोई नहीं, अभी भीड़ लग रही है, चलेंगे बाद में, भीड़ लग जाएगी ना, बाद में चले आएंगे तो दिखाएंगे ढंग से। अरे मेरे पैर कब कब आ रहे भाई, ये चल रहा हूँ मुझे। अरे यार मैं मेरी टीम ही देख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम सबकी रिले देख रही है। गाइस फाइनली सपना पूरा हो गया, और मतलब अंदर जितने मतलब कांप रहा था मैं अंदर से, और उन्होंने गले लगा के मतलब बढ़िया से हो गया, और मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि इसमें वीडियो वीडियो दिखा रहा था मैं, उनकी वीडियो बनाई थी मैंने, क्या करा भाई, थोड़ा बहुत तो शूट कर लिया, थोड़ा बहुत शूट कर लिया, और यहाँ ना हमारा बैठ नहीं रहा, फोटो वोटो भी हो गई, फोटो वोटो भी हो गई, जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सुबह तो टाइम नहीं मिलता, तुम्हें समय नहीं मिलता, इतना क्राउड होता, तो जैसा भी मिल लिया बस, और क्या ही कहें, बाकी जो भी होता रहेगा दिखाते रहेंगे आपको। गाइस अंदर आके बैठ चुके हैं और ये कचली खा रहे हैं यहाँ पर, कचली चावल की कचली है भाई, अबे बस ना खिलाए गई चावल की कचली। तो भाई बहुत मजा आया जटपाजी सब्जी, बहुत मजा आया, बहुत अब वो कह रहे थे कि तुम चले जाओ वापस, मैं कहा भाई नहीं, जटपाजी लव यू, जटपाजी कह रहे थे क्योंकि हम हमने बताया था ना 8 बजे के आए हुए हैं, जटपाजी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लव यू है आपसे, और हमेशा ऐसे ही आपके लिए प्यार हमेशा रहेगा, और हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे हमारे लिए कॉन्टेक्ट लेगा, जल्दी से आप प्रे करेंगे, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओ, रिकवर हो जाओ पूरे, और बढ़िया से बढ़िया वीडियो। सुबह सुबह तक हम यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, और पूरा मीटअप भी दिखाएंगे आपको, सबसे पहले आए हैं सबसे लास्ट में, सबसे पहले आए हैं और सबसे लास्ट में जाएंगे, कोशिश पूरी यही रहेगी, लेकिन दीप्ति दुबई को नींद आएगी इसलिए हमें हो सकता है जल्दी जाना पड़े, तो आप देखते रहना, शायद इसके नेक्स्ट व्लॉग में आएगा या लंबा होगा। भाई हम तीनों में सबसे ज़्यादा नींद इसको आ रही है, मैं सुबह 5 बजे का उठाऊँ, 5 से 7 तक मैं रनिंग पर जाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी शॉप पर जाता हूँ, शॉप संभालता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आए, ठीक है, और अभी रात के एक शॉप का नाम बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम हो गया भाई, शॉप शॉप होती है, शॉप संभालनी नहीं होती क्या। दूसरा आगे देखते रहने की इसकी मत करने बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं रोने क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्यों सुगर बना देना मैंने तेरा। गाइस अब आके बैठे बहुत बढ़िया कुर्सियों पे, बाहर गर्मी लग रही थी, और हमारे दो दोस्त मिले, हे बेटे क्या हाल है भाई, हस्की हस्की
ले बेटे उसकी भीड़ है, देखिए भाई क्या कह रहे थे गाइस, ये जो दोनों बाइकें खड़ी है ना, इनसे सुबह स्टंट होंगे दोनों से, आपको वीडियो में पता चलेगा। एक ये अपनी TVS की है 200 और ये मेरे ख्याल से कौन सी है KTM। बाइकें बढ़िया बना रखी है। सो गाइस, ये किसकी मंडी है चिट्टू भाई, किसकी मंडी है भाई? तेरी मंडी तो नहीं है ना? नहीं, ये क्या है, ये क्या? इसमें बजरी बड़ी हुई है, कंगड़ बड़े लग रहा है, और धीरे धीरे सारा कैफे मतलब पार्किंग जो खाली हो रही है सुबह के मीटअप के लिए। बढ़िया मामला हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है गाइस? अभी रात के 2:30 बजे हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है। ये बस। और भाई हाँ कर ले, लेवर आ गए ले। क्या हाल है भाई? ठोकरा भाई, स्टीडो भाई को देखो कैसे सो जा रहा, नींद बहुत तगड़ी आ रही इस भाई को। बैठे बैठे सो रहा, दीपू वहीं बैठे बैठे सोया था और मैं वहाँ बैठे बैठे सो गया था। सो गाइस, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। देखो जैसे भी हमने बनाया, जैसे हमने आपको दिखाया, प्लीज़ देख लिया और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। 5:30 बज रहे हैं और बाहर मतलब कैफे के बाहर सारा रेनोवेशन चल रहा है, मतलब सब कुछ सजा रहे हैं, डीजे वगैरह सब चीज़ लगा रहे हैं, तो वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देख लेना अगले ब्लॉग भी और मिलते अगले वीडियो में। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग आपको। मिलेंगे जल्दी अच्छी नई वीडियो में। रूम रूम। Tell me that you love me, even if it's fake.